एक मीठी सी मुस्कान है, एक प्यारी सी चमकार है। बहुत अनोखा धाम ये प्रकृति का आविष्कार है। कहीं पहाड़ों से होती सुबह तो कहीं मां नर्मदा का आशीष अपार है। कहीं लौह पुरुष का असीम साहस तो कहीं उनके हृदय से दिखता ये अद्भुत संसार है। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा ये अनोखा आनंद का त्योहार है। तो विशाल दवे के 100वें व्लॉग में आप सभी को सादर नमस्कार है, सादर नमस्कार है, सादर नमस्कार है। का हो, का सोचा था 100th व्लॉग में हम कहीं बाहर जाएगा का? आए Deep in the dark, down on my knees, I've seen things that you wouldn't believe. I was lost until I found that I'm invincible. Nobody gonna bring me down. नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। हाउ आर यू एवरीबॉडी, दिस इज विशाल द वे। और अभी देखो मैं कहाँ पे हूँ। यस, सबसे पहले तो यार आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। ये है मेरा 100th व्लॉग। यस, दिस इज माय 100th व्लॉग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने इतना सपोर्ट किया है और आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ रहे हैं और आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो विशाल द वे इज ऑलवेज हियर फॉर यू एवरीबॉडी। अभी हम लोग हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टैचू, यस, स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी देख रहे हो, कितना कमाल का सीन दिख रहा है पीछे। आय हाय हाय हाय, आई डोंट नो आप लोगों को इतना अच्छे से दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। सुबह के 7 बजने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर पहुँच गए, फुल इन्जॉय कर रहे हैं इस नेचर को। मेरे साथ जिग्नेश भाई भी हैं। हेलो जिग्नेश भाई, क्या हाल चाल भाई? बढ़िया बढ़िया। स्टैचू ऑफ यूनिटी उस तरफ है, हम लोग यहाँ पर जल्दी पहुँच गए थे तो सर्किट हाउस पे आ गए। हम लोग को आने में बड़ी दिक्कत हुई थी यार, आने में एक्चुअली क्या प्रॉब्लम हो गई थी ना, बसेस नहीं मिल पा रही थी। हम लोगों ने एक्चुअली ऑनलाइन देखा था कि बस मिल जाएगी, लेकिन नहीं मिल पाई। ऑनलाइन में ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। मतलब मैं हर बार अपने वीडियो में आप सभी लोगों को बोलता हूँ कि नेचर के साथ अपना टाइम स्पेंड कीजिए। जितना आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करोगे ना, उतना आपको अच्छा लगेगा। नेचर की एक खास बात होती है कि ये आपके स्ट्रेस को ना छीन लेती है। मतलब जितना भी आपके अंदर स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस एकदम से गायब हो जाता है जब भी आप नेचर के पास जाते हो। तो एडवेंचर करे करो, ट्रैवल करे करो, और नहीं कर सकते तो विशाल दवे तो है ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। बहुत सारे ट्रैवलिंग वीडियोस मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आता हूँ, जैसे कि हम अभी आए हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी में। देख रहे हो, ये नकली नारियल के पेड़ यहाँ पर लगाए गए, असली नहीं है, और शायद इसमें लाइट भी होती होगी। ये सर्किट हाउस है, यहाँ पर एक बहुत ही कमाल के हमको पुलिस ऑफिसर मिले थे। वो देखो वहाँ पर वो टहल रहे हैं, ठीक है। इस रास्ते से हम लोग आए थे, देखो कितना कमाल का सीन दिख रहा है ना, काफ़ी अमेजिंग है। चलो जिग्नेश भाई उतर के आ गए हैं, वहाँ से हम लोग उतरे हैं, बताओ। हालांकि हम लोग वहाँ से भी उतर सकते थे, लेकिन बाद में दिमाग आया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नर्मदा नदी को देखने के लिए। सबसे ज़्यादा लार्ज नदी है नर्मदा नदी पूरे गुजरात की, बहुत ही ज़्यादा पवित्र है, बहुत ही ज़्यादा। तो अगर आप यहाँ पर आओ, स्टैचू ऑफ यूनिटी आओ, गुजरात के अंदर आओ, तो नर्मदा नदी के दर्शन करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, एक काम करते हैं, हाँ मैं कैमरा पकड़ता हूँ, हाँ तो भाग के जा, हाँ उड़ी मार दे। वाओ,
देख रहा हूँ कैसा आइडिया दे रहा है, मैं कैमरा पकड़ता हूँ, तू भाग के जा और वहां पर ऐसा कूद जाना। अच्छा आइडिया है। हाँ बड़ा अच्छा आइडिया है। देख रहे हो कितनी अमेजिंग प्लेस है ये, वहां पर आपको एकता नर्सरी भी दिख जाएगी। दिस इज द लार्जेस्ट एंड ब्यूटिफुल नर्मदा रिवर। भी दर्शन करने के लिए आए हैं भैया, हैं बहुत ही बड़ा चमत्कार होता है। नरेंद्र मोदी साहब भी यहाँ पर दर्शन करके गए थे और देखो आज वो प्रधानमंत्री है, हम भी आज आए हैं, पता नहीं कल क्या हो जाए। यहाँ पर क्या आपको स्लॉट लेना पड़ता है 10 से 12 का, 12 से 2 का, 2 से 4 का, ऐसा स्लॉट लेना पड़ता है अगर आपको सरदार भाई पटेल साहब के छाती तक जाना है और वहाँ से व्यू देखना है, जिसको बोलते हैं व्यूइंग गैलरी। तो अगर वहाँ पे जाना है तो आपको ये सब स्लॉट्स लेने पड़ते हैं, ऑनलाइन लेने पड़ते हैं। और हम लोग लेके आए हैं 10 से 12 का स्लॉट, अभी 9 बज चुके हैं। एक्चुअली हम लोग वहाँ से पैदल पैदल आ रहे हैं, अगर आप लोग यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर बस की सुविधा है, आप बस से यहाँ पर आ सकते हो, लेकिन हम लोग चाहते थे कि यार ज़्यादा एक्सप्लोर करना है और हमारे पास टाइम भी है घूमने का, तो हम लोग आराम से चलते चलते पैदल पैदल यहाँ पर आ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा हम लोग को चाय की तलब थी, क्या बोलता जिग्नेश? आपको तो पता है कि मेरे को चाय कितनी अच्छी लगती है, और नॉट इवन मेरे को, जिग्नेश को भी बहुत अच्छी लगती है चाय। देख रहे थे कि कहाँ पर चाय मिलती है और फाइनली एक जगह ऐसी मिली जहाँ पर हम चाय पी सकते हैं। और ये वो स्टॉल है, ये जो स्टॉल आपको दिख रहा है मेरे पीछे, ये वो स्टॉल है जहाँ पर अभी हम लोग चाय पी रहे हैं। जिग्नेश भाई ने चाय कंप्लीट कर ली है, मैं भी चाय पी रहा हूँ। बहुत ही कमाल की चाय इन्होंने बनाई है सच्ची। अगर आप यहाँ पर आते हो तो इनके स्टॉल पे आ सकते हो। चामड़ से ऐसा बड़ा सा लिखा हुआ है, चामड़ से रोड पे ही मिल जाएगा। अगर आप स्टैचू ऑफ यूनिटी जाते हो तो आपको रोड पे ही मिल जाएगा चामड़ से करके बड़ा सा लिखा हुआ। मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी यहाँ की चाय, आप आओ तो आप भी यहाँ की चाय पी सकते हो। तो वो देख रहे हो, जी हाँ हम लोग बहुत ही नज़दीक पहुँच चुके हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टैचू के, यानी ये स्टैचू ऑफ यूनिटी, एकता की प्रतिमा। यस, और ये है हमारे देश के आयरन मैन यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब। जिग्नेश आर यू एक्साइटेड? चलो छाती में कि छाती पे हम लोग जाने वाले हैं, और आप सभी लोगों को ऊपर से भी मैं नज़ारा दिखाऊंगा कि कैसा दिखता है। ओके, ये है बस स्टैंड यहाँ का, यहाँ से आपको बाकी आगे जाने की जो भी है जंगल सफारी जाना है तो वहाँ की बाकी सब जगह की गाड़ियाँ यहीं से मिलेंगे। वो देखो आप, भयंकर सा हो रखा है, वो देखो मूर्ति। सो फाइनली हम हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर। जी हाँ, एक्चुअली यहाँ पर ऐसा है कि अगर आप बैग लेके आते हैं ना, तो सबसे पहले जो बस स्टॉप है वहाँ पर ही लॉकर रूम है जहाँ पर आपको अपने जितने भी सामान है उसको रखना पड़ता है, उसके बाद ही सिक्योरिटी आपको अंदर आने देती है। अभी है हम, ये देखो ये है एंट्रेंस स्टैचू ऑफ यूनिटी का। ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 182 मीटर्स की प्रतिमा है भाई साहब। ओके, इलेक्ट्रिक स्लाइड यहाँ पर आपको मिल जाती है, ठीक है, देख रहे हो, जिससे कि आप तेज चल सकते हो, जितना तेज आप चलना चाहते हो उतना तेज चल सकते हो। देख रहे हो, अब आपको इनकी ऊंचाई दिखाता हूँ कि ये प्रतिमा कितनी ज्यादा ऊंची है। तो ये देखिए, अरे बाप रे, ये देख रहे हो इतनी ज्यादा ऊंची है ये, बाप रे भाई साहब बहुत ज़्यादा ऊंची है ये प्रतिमा। अभी अपन अंदर चलते हैं। तो ये है म्यूज़ियम। ओके, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये म्यूज़ियम है यहाँ का, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी है जिनको आप पढ़ सकते हो। आगे चलते हैं, देखिए सबके सब यहाँ पर फोटो सेशन कर रहे हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, आय हाय, मुख सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब का। कि यहाँ पर आप प्रतिमा का निर्माण वगैरह यहाँ पर जान सकते हैं। ओके, टच स्क्रीन है क्या भाई ये? सोच, ये देखिए टच स्क्रीन है। ओहो, मोदी साहब चालू हो गए, अरे क्या बात है भाई, मोदी साहब चालू हो गए, नमस्कार मोदी साहब, हर हर गंगे। लेकिन यहाँ पर इनका जो है छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया गया है कि पूरी प्रतिमा ऐसी है। व्यूइंग गैलरी लिफ्ट, ठीक है, तो व्यूइंग गैलरी जाने के लिए यहाँ पर लिफ्ट मिलेगी। देख रहे हो लाइन, देख रहे हो, यहाँ से जा सकते हो व्यूइंग गैलरी के लिए। ओके, काम करो, इंजॉय करो, लाइफ इज़ ऑल अबाउट दैट। और अभी अपन अंदर जाने वाले हैं, ताकि लाइन में खड़े रहना पड़ेगा बॉस, लेकिन जाना तो है। तो ये देख रहे हो, ये है व्यूइंग गैलरी। ओके, तो हम पहुंच चुके हैं उनकी चेस्ट पे, उनकी छाती पे। फाइन, तो ये है व्यूइंग गैलरी,
ठीक है, ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको दिखा सकूँ। तो ये हम पहुँच चुके हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चेस्ट में, उनके छाती पर, और ये है यहाँ से व्यू, ओके, व्यूइंग गैलरी जिसको बोलते हैं। यहाँ पर कांच लगा दिया गया है और कांच के उस पर जाली है, तो इसलिए ज़्यादा अच्छे से मैं दिखा नहीं पाऊँगा, एक केज की तरह है ये। हेलो हेलो हेलो, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आके? अच्छा लग रहा है, एक नंबर। अच्छा, मतलब पैसा वसूल है ऐसा लग रहा है? पैसा वसूल है आपको लग रहा है? ऐसा ऐसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके? ओके, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है? ओके ओके ओके, चलिए ठीक है, इन्जॉय कीजिए। ओके, बाय 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 बाय। ओ भाई साहब, देख रहे हो कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये। ये आपको अंदर के दृश्य में दिखा रहा हूँ, ठीक है, जो स्टैचू के अंदर, जिस स्टैचू बना है ना अंदर से, जो इतना मजबूत है स्टैचू, वो इन सब चीज़ों के कारण है। ये देख रहे हो, मतलब क्या ही कारनामा किया है इंजीनियर्स ने भाई। चक्कर आ रही है देखने में। हाँ यार, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं सच्ची। पूरे स्टैचू 64 जितना है, लास्ट है, यहाँ से ऊपर नहीं जा सकते। लिफ्ट यहाँ तक ये सीढ़ियाँ सिर्फ मेंटेनेंस वाले ही जा सकते हैं। यहाँ से आपको दिखना है सामने सरदार सरोवर डैम, और पीछे का पानी यहाँ से दिखाई देता है, और इस तरफ दोनों तरफ बार की तरफ पे जो पार्ट दिख रहा है वो शॉल और डाइश का पार्ट दिख रहा है, और बीच में जो पट्टी है बटन पट्टी है, वहां से आपको कोट का ऊपर से सेकंड नंबर का गोल आकार का बटन दिखाई देगा। ऊपर से सेकंड और नीचे से थर्ड बटन के बीच में अभी खड़े है। आपको एक पूरा राउंड घूमना है, उसके बाद लिफ्ट छोड़ के नीचे म्यूजियम में वो देखना है, उसके बाद पैरों के पास जाके बाहर का स्टैचू देखना है, उसके बाद वैली ऑफ फ्लावर और सरदार सरोवर डैम। वो आपको बस लेके जाएगी बस बाई बस पार्किंग से, जहाँ पे उतरे वहाँ पे चले जाना। थैंक यू, बटन देख लो। यहाँ पर एक थिएटर जैसा है जहाँ पर आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की ना कुछ कहानियाँ बताई जाती है। ये देखो, यहाँ पर आपको उनके बारे में कुछ बताया जाता है। ये देखिए, आप प्लेज लिख सकते हैं, ठीक है। अब प्लेज क्या होता है, तो एक तरीके से आप यहाँ पर अपने थॉट्स लिख सकते हैं, ठीक है, कि मैं रिस्पेक्ट करूँगा, मैं ऑनेस्ट रहूँगा, इस तरीके से आप कोई भी प्लेज यहाँ पर लिख सकते हैं, और वो सामने स्क्रीन पर आएगा, वहाँ पर देख सकते हैं आप। तो एक बार अपन ट्राई करते हैं यहाँ पर प्लेज क्रिएट करने का, ठीक है। चलो, प्लेज नेम, देखो यहाँ पर अपना नाम डाल लेगा। मेरा नाम क्या, आप सभी लोगों को पता ही है। देख रहे हो सिस्टम, देख रहे हो, तेरे को पियानो बजा रहा हूँ ऐसा लग रहा है। लोकेशन, लोकेशन है हमारे, क्या लिखूँ, राजनांदगांव लिखूँ कि वडोदरा लिखूँ? अरे बताओ यार। चलो ठीक है, वडोदरा लिख लो। नेक्स्ट का बटन अभी अपन दबाएंगे, यहाँ पर दिख रहे हैं इनको, देखो ये सब चीज़ें डाल दी। नेक्स्ट का बटन अभी अपन दबाएंगे, और अब अपन को यहाँ पर प्लेज चुनने हैं कि कौन से प्लेज अपन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अपन प्लेज चुनेंगे, ठीक है। चलो, आई प्लेज टू बी ऑनेस्ट एंड फॉलो द रूल्स ऑफ लॉ टू मेक माय इंडिया अ ग्रेट नेशन, पहला प्लेज। सेकंड प्लेज है, आई प्लेज टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स स्वच्छ भारत मिशन एटलीस्ट वंस अ वीक टू मेक माय इंडिया अ क्लीन नेशन। एक काम करते हैं, एक चूज कर लेते हैं, ये वाला सही रहेगा। ओके, यहाँ पर एक प्लेज है जो कि ये शो करता है इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्लेज है। आई प्लेज टू वर्क टूवर्ड्स द एनवायरमेंट कंजर्वेशन टू मेक माय इंडिया अ सस्टेनेबल नेशन। ओके, तो अपन ये वाला प्लेज चूज करेंगे, क्योंकि भाई पर्यावरण को स्वच्छ करना आज जरूरी है, समझ रहे हो। जल्दी देख रहे हो, मेरा प्लेज आ चुका है वहां पर। ओके, ओ भाई देख रहे हो कितनी ज्यादा बड़ी है ये। हाय 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 हाय, इधर ध्यान देना पड़ेगा। ये उनका पैर है, ओके, ये पैर का हिस्सा है, और बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा बड़ी है यार। ये देखो कितना सुंदर दिखता है यहाँ से। इनके आशीर्वाद हम लोग ले चुके हैं, चरण स्पर्श हमने कर दिया है, और इसके जस्ट सामने आपको वहाँ पर दिखेगा सरदार सरोवर डैम। वो सामने दिख रहा है, वो सरदार सरोवर डैम है। तो हम लोग वहाँ से बाहर निकल चुके हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी का यहाँ पर खुद का बस स्टेशन है, 4 नंबर की जो बस है ना, उस बस में हमको बैठने का है, 4 नंबर की।
बस में बैठेंगे तभी वो डैम जाके पहुंचाएगी। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, ये है सरदार सरोवर डैम। ओके, ये है सरदार सरोवर डैम जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है यार, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। अभी सिर्फ यहाँ पर खड़े रह के देखने को अनुमति मिली है, अपन इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकते। तो देखिए, ये है सरदार सरोवर डैम। अभी इसमें पानी नहीं गिर रहा है, लेकिन जब भी यहाँ से पानी गिरता है ना, तो भाई साहब इतना ज़्यादा मज़ा आ जाता है ना, पूछो मत। बहुत ही कमाल का मज़ा आता है जब भी ऊपर से पानी गिरता है। ये जो आपको इतना सुनहरा गार्डन दिख रहा है ना, ये है फ्लावर वैली। ओके, तो यहाँ पर फ्लावर वैली नामक एक जगह है जहाँ पर आपको बहुत सारे फ्लावर्स दिख जाते हैं। देखो, बहुत कमाल कमाल के फ्लावर्स है यार। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर शाम को ही आना, जब भी स्टैचू ऑफ यूनिटी में घूमना है ना, तो शाम को आना, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। हम लोग सुबह सुबह आ गए थे और दोपहर हो गई है, बहुत ज़्यादा धूप लग रही है, लेकिन स्टिल आप सभी लोगों को दिखाना है तो हमको रुकना पड़ेगा। और आप सबको दिखा रहा हूँ मैं, 380 की जो टिकट है ना, उसके अंदर ही ये इंक्लूड है। ओके, तो यहाँ पर आप आ सकते हो। अभी आलम कुछ ऐसा है कि हम लोग बस का वेट कर रहे हैं, हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी से निकल चुके हैं। शाम को होता है लाइट शो, लेकिन लाइट शो के लिए हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। अभी हम लोग निकलेंगे, यहाँ से पहुँचने में 2 घंटे लगेंगे, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करके आप सभी लोगों के लिए एडिटिंग करनी है, ताकि कल हमारा 100वां व्लॉग पहुँच जाए आप सभी लोगों तक। अभी हम लोग केवड़िया जो यहाँ पर गाँव है, वहाँ पर वेट कर रहे हैं वडोदरा के लिए बस का। इस सफ़र में उत्साह था, इस सफ़र में प्यार था, इस सफ़र में विश्वास था, क्योंकि ये सफ़र काफ़ी विशाल था। असल में यहाँ शाम ढलते ही लाइट शो का भी आयोजन किया जाता है, परंतु समय सीमा को ध्यान में रखते हुए हमें वापस लौटना पड़ा। पर कोई नहीं, अभी बहुत सारे अद्भुत स्थानों में मैं आप सभी लोगों को ले जाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो यार। यह व्लॉग अच्छा लगा हो तो आप इस व्लॉग को लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ जमे रहिए, बने रहिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए, विशाल दवे को विदा दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं एक नए सफर में।